गाइस बहुत ज़्यादा इमोशनल स्टोरी है, स्टार्ट में तो है लेकिन लास्ट में उससे हज़ार गुना ज़्यादा इमोशनल स्टोरी है। ये स्टोरी है एक डेविड की। गेम के स्टार्ट में डेविड के फादर का एक्सीडेंट हो जाता है। जब डेविड अपने फादर से मिलने हॉस्पिटल पहुंचता है, उसे उसका फादर बताता है कि उसका एक्सीडेंट नहीं बल्कि मॉडल किया गया है और उसका नाम जेफ रिचमैन है। अब जेफ रिचमैन बहुत ही पावरफुल आदमी है, डेविड के पास इतनी पावर नहीं है कि उसको मार सके। अब वो उसका बन जाता है मैनेजर। उसे मिलता है एक बनाने को शॉपिंग मॉल और उसमें उसकी सुपरवाइजर है एनी, जो कि जेफ रिचमैन की बेटी। Where are you now? I have something to tell you. Dad, please stay with me. What happened? Son, it wasn't an accident. Someone wants me dead. Who? But why? I'm sorry. I've kept the truth from you for too long. Remember the name, Jeff Richman. Jeff Richman? Find him, and you will find your... Wait, Dad! Jeff Richman? I will take away everything from him, as he did with mine. गाइस अब ये पहुंच चुका है डेविड शॉपिंग मॉल बनाने के लिए। ये ऐसा शॉपिंग मॉल बनाएगा जो आपने देखना तो दूर की बात, सोचा भी नहीं होगा। शॉपिंग मॉल में बिल्डिंग 100 से प्लस हैं, आप टॉप 10 देखेंगे इसमें।
गाइस, इसमें जो लास्ट मिशन है ना वो है सोलारियम, उसको अपडेट करना और तकरीबन 5 अन को अनलॉक करना, और इसके बाद स्टोरी यहीं पे ख़त्म की जाती है। इसके बाद ड्राइवर को कोई मिशन नहीं दिया जाता। गाइस, गेम क्रिएटर को ऐसे नहीं करना चाहिए था, इन्हें शुरू में कुछ फ्यूचर डाल दिए हैं जिससे इसकी गेम को रेटिंग मिली है, बाकी इसने स्टोरी यहीं पे फिनिश कर दी है। इसके बाद कोई मिशन नहीं है, जैसे आप देख रहे हैं ऊपर कोई मिशन शो नहीं हो रहा। तमाम मिशन कंप्लीट किया मैंने, लेकिन इसके बाद कोई मिशन नहीं है और यही गेम का दिया मैंने।